फिल्मों में कभी कभी डायरेक्टर और एक्टर के बीच की बॉन्डिंग भी सक्सेस का कारण बन जाती है। कई एक्टर्स तो अपने फेवरेट डायरेक्टर के साथ ही काम करने में खुद को सिक्योर समझते हैं, लेकिन ये तो पब्लिक है, ये सब जानती है। कब किसी कबूल कर सके, नकार दे, कोई कुछ नहीं कह सकता। आज हम म्यूजिक इंडिया अवार्ड 2015 के इस सीरीज में बात करेंगे बेस्ट डायरेक्टर और एक्टर की जोड़ी के बारे में। लेट्स स्टार्ट विद डायरेक्टर आनंद और कंगना रनावत की जोड़ी, जिन्होंने तनु वेड्स मनु की सक्सेस के बाद तनु वेड्स मनु रिटर्न्स बनाया, जिसने इस जोड़ी के नाम एक खिताब ही कायम कर दिया। वहीं कबीर खान और सलमान खान की जोड़ी जब भी एक साथ आई है, बॉक्स ऑफिस पे कुछ न कुछ नया कमाल ही दिखाती है। जहां एक था टाइगर 100 करोड़ के क्लब में शामिल हुई, वहीं साल की लेटेस्ट रिलीज बजरंगी भाईजान ने तो हिस्ट्री ही बना दिया। लेकिन इसी सलमान को 23 साल पहले सूरज बड़जात्या ने अपनी फिल्म मैंने प्यार किया से फिल्म इंडस्ट्री में स्टैब्लिश कर दिया। उसके बाद भी सूरज और सलमान की जोड़ी ने हम आपके हैं कौन और हम साथ साथ है किया, जो कि काफी सफल रही और फिल्मों को हर एक परिवार के लोगों ने साथ में देखा। बट अगेन 16 सालों बाद सूरज और सलमान की लेटेस्ट रिलीज प्रेम रतन धन पायो को भी लोगों ने पसंद किया, लेकिन फिल्म बजरंगी भाईजान की तुलना में थोड़ी कमजोर रह गई। बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के हिसाब से देखा जाए तो जाहिर सी बात है कि वो सक्सेस की जोड़ी सलमान खान और कबीर खान की ही होगी। तो म्यूजिक इंडिया अवार्ड 2015 फॉर बेस्ट डायरेक्टर एक्टर गोज टू सलमान एंड कबीर खान।